नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। अभिनेता और निर्देशक साजिद खान पर मी टू कैंपेन के दौरान कई महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस वजह से जब से उनकी एंट्री बिग बॉस 16 में हुई है, तब से लगातार उन्हें शो से बाहर करने की मांग तेज है। अब तक कई अभिनेत्रियों सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं भी साजिद खान पर उत्पीड़न करने का आरोप लगा चुकी हैं। अब दिया और बाती हम फेम अभिनेत्री कनिष्का सोनी ने भी साजिद खान को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया। इसी के साथ उन्होंने सलमान खान से भी सवाल किए। आप खुद ही सुनिए अभिनेत्री का जारी किया हुआ वीडियो। हाय एवरीवन, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने कहा था कि एक ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जिसने मुझे अपने घर पे बुलाया और जिसने मुझसे ये कहा था कि मुझे तुम्हारा स्टमक देखना है। और मैंने कहा था कि मुझे किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम नहीं लेना है या म्यूजिक कंपोजर का नाम नहीं लेना है। जिन लोगों ने भी मेरे साथ ऐसी कोई हरकत की है या गिव एंड टेक की डिमांड रखी है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली से भी और बहुत सारे फ्रेंड्स जो है फिल्म फ्रेटर्निटी से, उनसे ये पता चला है कि बिग बॉस में उसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जिसके बारे में मैंने डिसाइड किया था, लोगों के बारे में, जितने भी लोगों के बारे में मैं डिसाइड किया था कि मुझे नहीं नाम बताना है, उसमें से एक डायरेक्टर जो है वो बिग बॉस में आए हुए हैं। मैं बिल्कुल उनका नाम नहीं लेना चाहती थी। और ये नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी डरी हुई हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बाद से इंडिया में आने से भी डर लगता है, क्योंकि ये लोग इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा जो लॉ है, इंडियन गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर एक्ट्रेसेस, पुलिस जो है वो यही समझती है कि जो भी एक्ट्रेसेस है वो फेम के लिए, पब्लिसिटी के लिए आती है हमारे पास, और वो हमें बिल्कुल मदद नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका नाम लेने से पहले मुझे बहुत डर भी लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर भी आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको उस बंदे का नाम बताऊंगी। आप लोगों ने जितनी पब्लिसिटी दी है और उसे वो जगह दी है बिग बॉस में जो वो डिजर्व नहीं करता है। इतनी सारी लड़कियों ने ऑलरेडी बयान दिया है, अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूं कि हुआ क्या था। तो वो है, उनका नाम है साजिद खान। और साजिद खान जी से मेरी मीटिंग इसलिए हुई थी कि 2008 में जब मैंने दो रियलिटी शोज किए थे, और रियलिटी शोज के, जैसे कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि कोई पेमेंट नहीं होता है, और मुंबई में सरवाइव करने के लिए मैं एक कंपनी थी फिल्मी बॉक्स, जिसमें बहुत ही छोटे टाइम के लिए मैं रिपोर्टर थी, और मैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज लेती थी। इम्तियाज अली जी है, मोहित सूरी जी है, ऐसे बड़े लोगों के इंटरव्यूज लेती थी। और तब मेरा कॉन्टेक्ट साजिद खान जी से हुआ, साजिद खान जी नहीं, साजिद खान से हुआ। और मैंने उन्हें कॉल लगाया तो उन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू लेने के लिए साजिद नाडियादवाला के बंगलों में बुलाया, जो कि यारी रोड पे है, और बालकनी में, मैं मुझे याद है, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था उसी दौरान, क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत ही थी 2007-8 में मैंने करियर शुरू किया। 2008 जुलाई या जून के आसपास मैं उनसे मिली थी। तो तभी मैंने उनसे कहा था कि सर, मैं यहाँ पर अपना एक्टिंग करियर बनाने आई हूँ और मैं कैरेक्टर सिंगर हूँ, तो मुझे मुझे आपसे मिलना है, और एक्टिंग के लिए अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं या मुझे अपनी मूवी में एक चांस दे सकते हैं। तो काफी बार बात हुई होगी, और मुझे लगता है कि एक दो बार बात करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे मिलने आइए जुहू के फ्लैट में। तो उन दिनों मैं हमेशा, क्योंकि मैं अहमदाबाद से आई थी और बहुत ही शाय टाइप लड़की थी, तो मुझे किसी के घर जाने से बहुत डर लगता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरी मॉम के साथ रहता हूं और घर पे और भी लोग हैं काम करने वाले जो काम करते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। तो आई जस्ट रिमेम्बर कि उनका 2008 की ही बात है ये, और उन्होंने कहा कि फिर मैं उनके घर पे गई उनके बुलाने पे। मुझे लगा कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको फिल्मों में आना है, हीरोइन बनना है। तो मैं उस वक्त एक
पोर्टफोलियो हमेशा होता है, जो उस वक्त ऐसा होता था कि आप अपनी पोर्टफोलियो की बड़ी फाइल कैरी करके जाते थे जहां पर भी आपको जाना है मीटिंग्स के लिए। तो मैं अपनी पोर्टफोलियो की बड़ी फाइल, विक्रम ने मेरा पोर्टफोलियो किया था मुझे याद है, वो फाइल लेकर मैं उनके घर गई और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए गई तो मैंने देखा लेफ्ट साइड में उनकी मॉम का रूम था, राइट में किचन था। वहां पर जितना मुझे याद आ रहा है, बिकॉज मैं 2008-09 की बात कर रही हूँ, 2022 में, तो जो मेरे आंखों के सामने है वो मैं आपसे बता रही हूँ। तो मेरे राइट हैंड साइड पे आई थिंक वो लोग काम कर रहे थे और किसी ने मुझे गाइड किया कि आप साजिद खान का कमरा अंदर है, तो मैं वहां गई उनसे बात करने के लिए। तो मेरे साइड में बैठे वो, उन्होंने मेरी मेरा पोर्टफोलियो चेक किया, हमारी कुछ बात हुई होगी कि क्या यू नो अबाउट मी एंड अबाउट एवरीथिंग, एंड देन ही आस्क्ड मी टू स्टैंड अप। मैं खड़ी हो गई, उन्होंने मेरा फिगर देखा और कहा कि तुम परफेक्ट मटेरियल हो और मैं अपनी एक मूवी भी बना रहा हूं जिसमें दीपिका पादुकोण को ले रहा हूं, और ऐसी बात कुछ चल रही थी। और उस वक्त फिर आई थिंक ही वॉज टॉकिंग अबाउट हाउसफुल, जितना मुझे याद आ रहा है। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा फिगर अच्छा है, हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी है, सब कुछ है, तुम मेन लीड मटेरियल हो। फिर वो उनके कमरे में एक जैसे बेड होता है और वो वहां पर आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, क्योंकि वो मेरा घर नहीं था तो मैं दूर थोड़ी सी उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारा स्टमक देखना है बिकॉज आई वॉन्ट टू सी योर स्टमक एंड डोंट वरी, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, मुझे टच नहीं करना है। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि सर मेरा पोर्टफोलियो आपके सामने है और आपको अगर अगर कुछ भी ऐसा है तो मैं जब आप मूवी में मुझे साइन कर लेंगे, और क्योंकि हम मीटिंग्स के लिए तो जाते हैं लेकिन हम हमेशा अपना अपनी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जो हम कंफर्टेबल फील करते हैं वही हम हाँ उसी के लिए हाँ बोलते हैं और जो नहीं करते हैं मना कर देते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा है कि यही कहा था कि मतलब मैं आप मेरा स्टमक, वो कहते हैं मुझे आपका स्टमक देखना है। और ये उस दौरान की बात है जब मैंने कभी भी लाइक 2008 तक अगर साड़ी के अंदर भी स्टमक दिखता है तो भी मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था। लाइक माय पेरेंट्स नो कि मैं मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी उस चीज की, मैंने कभी अपना स्टमक, बिकॉज वो उस टाइम पे ऐसे 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 डिजाइन ऐसे फैशन आए ही नहीं थे, और आए भी होंगे तो मुझे नहीं पसंद था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको अपना स्टमक नहीं दिखा सकती हूं, तो उन्होंने मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपको अपना स्टमक नहीं दिखा सकती हूं, आप अगर मूवी में मुझे लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने भी पोर्टफोलियो मेरा बंद कर दिया और मुझसे कहा कि ठीक है फिर मैं भी आपको मूवी में नहीं ले सकता हूं। वो बात खत्म हुई और उसके बाद मैं अपने घर चली गई। उसके बाद से फिर मेरी उनसे बाद में आई थिंक 2012-13 के आसपास कुछ बात हुई थी जब मैं दिया और बात हम शूट कर रही थी। इन्हीं सब बातों की वजह से मैं काफी डर गई थी और इसीलिए मैंने न्यू कमर्स के साथ मूवीज की, 4-5 मूवीज की जो कि स्क्रैप हो गई। एंड देन आई वेंट टू साउथ, उसके बाद मैंने साउथ में युवराजम की जो मना कुराले के नाम से रिलीज हुई, देवाराया की जो श्रीकांत के साथ आइटम नंबर किया था वो, उसके बाद मैंने पत्थायरम कोडी की विवेक के साथ, काफी मूवीज की, ब्रांड्स की शूट किए, LIC हगीज ड्राइवर सारे शूट्स किए मैंने और काफी सारी एड्स की। इसके बाद क्या हुआ था कि समहाउ जब मैं दिया और बाती हम कर रही थी तो मेरा कांटेक्ट हुआ साजिद खान जी से फिर से। तो इस बार मुझे लगा कि अभी पोर्टफोलियो की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफी सालों से मैं मूवीज कर रही थी, एड्स कर रही थी, कमर्शियल एड्स कर रही थी, काफी काम कर ही रही थी। तो फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना हम फिल्म इंडस्ट्री में एक दूसरे से लोग टकराते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो शायद उनमें कोई चेंज आया हो या शायद वो बदल गए हो। तो मैं बहुत ही सिंपल से अपने कुर्ती और ऐसे ड्रेसअप के साथ उनसे मिलने गई, बिकॉज उन्होंने मुझे बुलाया था घर पे। तो मैं उनसे मिलने गई और मैंने उनसे फिर से कहा कि सर मुझे जो है वो मूवी में काम करना है आपके साथ। तो उन्होंने मुझे यही कहा, उस दिन भी उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम बहुत ही सिंपल सी लड़की हो और मुझे बोल्ड लड़कियां चाहिए मेरी मूवीज के लिए, तो इसलिए आई कैन नॉट सी यू फिट इनटू माय मूवीज बिकॉज यू आर नॉट दैट
बोल्ड काइंड ऑफ गर्ल, तो फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इट्स ओके फाइन। देन लेटर एक दिन फोन पे मेरी बात हुई थी, मेरे साथ एक और आर्टिस्ट भी थी उस दिन। खैर मैं किसी और का नाम या किसी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, इट्स माई थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उन्होंने मुझे फोन पे एक बात कही थी, आखिरी बार मेरी उनसे तभी बात हुई, और कि उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मतलब शादी, वो शादी भी करना चाहते थे, ऐसी कुछ बात हुई थी। और फिर मैंने कहा कि क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था कि मैं एक बड़े प्रोड्यूसर के बड़े प्रोड्यूसर के बेटे जो एक्टर है उन्हें डेट कर चुकी थी, एंड ही वाज पावरफुल एंड ही वाज रिच गाय, एंड यू नो उसका वायलेंट नेचर देखकर मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने कहा कि मुझे मेरा बस यही था कि वो कहते हैं कि मुझे, मैं चाहता हूं कि जिससे मैं शादी करूं वो मेरे साथ जो मूवी मैं देख रहा हूं वही देखे, मैं स्मोक कर रहा हूं तो वो भी करे। मैंने कहा कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि मुझे पूरी आजादी मिले और जो मैं करना चाहती हूं अपनी जिंदगी में वो मैं करूं, और जो आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो आप करें, और इसीलिए ही मैं डोमिनेटिंग इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूं। वो मेरी एक बार लास्ट फोन पे बात हुई। फिर मुझे लगता है कि वो इस बात से शायद नाराज हो गए थे कि जो मेरे साथ आर्टिस्ट थी वो उनका नंबर मांग रही थी और वो उनकी मूवी में काम करना चाहती थी, और वो बड़ी एज की थी, तो मैंने उनकी मदद कर दी थी और उन्हें उनका नंबर दे दिया था। उसके बाद से मेरी उनसे बात करना बंद हो गई। तो बाद में मुझे पता भी चला कि शायद उनका नंबर देने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन फिर वो आर्टिस्ट ने मुझे बोला कि आई एम सॉरी कि तुमने मुझे उनका नंबर शेयर किया और इस वजह से वो तुमसे भी बात नहीं कर। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि उस इंसान का करियर एनीवेज डूबा हुआ है, वो डूब चुका है, और अब वो इंसान खुद ही कुछ काम नहीं करने के लायक है, तो वो हमें क्या ब्रेक देगा। और मैंने कहा ऐसा इंसान अगर मुझसे नाराज भी हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे सिर्फ बोल्डनेस चाहिए, जिसे सिर्फ हॉट बॉडी और इसी तरीके से जो बातें करता है। और मुझे उस पहली बार भी जब मैं उनसे मिली थी तो मुझे यही लगा था कि वो मुझे वो वैसी वाइब्स आ रही थी दैट ही वॉन्टेड समथिंग फ्रॉम मी। फिर भी मैंने उस चीज को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि जब हम फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं तो हमें बार बार ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी में या मीटिंग्स में मिलते रहते हैं, तो वो हमें इग्नोर करना पड़ता है, कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ती है। लेकिन अब क्योंकि पूरा इंडिया जो है वो कोई स्टेप नहीं लेता है, जब इस तरीके के लोगों को पैसा मिलता है, फेम मिलता है, वो इतने बड़े शो, इतने बड़े रियलिटी शो, बिग बॉस जैसे शो में आ जाते हैं और फिर भी आप लोग उसे एंजॉय करते हैं और आप उनकी टीआरपी बढ़ाते हैं, तो इस बात को लेकर मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही एक वीडियो बनाया था कि रियलिटी शो इज ऑल अबाउट नेपोटिज्म एंड ग्रुपिज्म। तो अब वो है, वो बात प्रूव हो चुकी है। और सलमान खान जी से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं खुद सलमान खान जी को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी मूवीज को बहुत लाइक करती हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि कैसे वो इस तरीके की जो पर्सनालिटीज हैं, जो लड़कियों के साथ अत्याचार करते हैं, जो उन्हें मारते पीटते हैं और जो उनको गालियां देते हैं, जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हैरासमेंट करते हैं, सलमान खान जी से मेरा ये सवाल है कि वो इन लोगों को कैसे आने देते हैं अपने शो में, जो कि वो होस्ट कर रहे हैं, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यहां पर भी, इनफैक्ट अमेरिका में भी है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम किसी आर्टिस्ट, अगर फॉरेनर्स या इंडियंस किसी आर्टिस्ट को जानते हैं तो वो शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, इनके ही नाम होते हैं, बिकॉज वो लोग इस इंडस्ट्री में 25 सालों से हैं, उससे भी ज्यादा सालों से है शायद। तो मेरा यही सवाल है कि ये कैसे है, और अब मुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे इंडिया आना ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले तो मैंने इनके बारे में बोल के अब मुझे खुद डर लग रहा है कि कहीं ये लोग मुझे ना मार दे, या फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि वहां का लॉ भी, गवर्नमेंट भी, मैं तो आपको पहले भी बोल चुकी हूं कि कोविड के वक्त भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर मेरे पास फाइनेंशियली कुछ भी नहीं है और मैं बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रही थी वहां पर, मैंने बहुत फेस किया है। आज मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि मैं ये देख रही हूं और काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में बोलना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक 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 इंसान जो है वो मेरी तरह इस तरीके से सच्चाई की राह पर चलकर भी लड़ाई लड़के भी स्ट्रगल कर रहा है, और वो इंसान जो इतनी गंदगी फैला के, इतनी गंदी हरकतें करके भी आज फेम हासिल कर रहा है, पैसा हासिल कर रहा है, तो वो सही नहीं है।
फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं लोग क्यों इस बात को समझते हैं कि बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू रीच अप टू दैट लेवल यू नो नो मैटर व्हाट एंड देन पीपल ऑल्सो फॉलो एंड पीपल बिलीव दैट काइंड ऑफ सक्सेस वेर इन आई बिलीव इन कर्मा आई बिलीव इन ट्रस्ट आई बिलीव दैट आई ट्रस्ट गॉड since there is no hope from India and Indian government and Indian law, I still believe that there is a God somewhere who is listening, who is watching and I believe that Sajid Khan ka bura samay start ho gaya hai. Usne jitne bhi karma kiye hain, uska phal ab usse milne wala hai. Aur isi liye hi shayad aaj mere muh se unka bhi ye naam nikal gaya hai bahar. Varna main सच में यही सोचती थी कि सबको अपने कर्मों का फल खुद ही मिलेगा लेकिन शायद मेरे अंदर ही देवी आ गई है और वो चाहती है कि ये काम मेरे ही हाथ हो। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।